भी बड़ी खबर का रुख करते हैं। वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में लगा करोड़ों रुपए का बड़ा झटका। देशभर के प्राधिकरण और नगर सुधार न्यासों को बड़ा झटका लगा है। पिछले दो दिन बंद रहा नीलामी का पोर्टल और 21 मार्च को दिन भर नीलामी का पोर्टल बंद रहा। 22 मार्च को शाम में यानी आज ही पोर्टल शुरू हो पाया। इसके चलते दो दिनों में जिन संपत्तियों की आखिरी तारीख थी, नीलामी में आखिरी बोली लगाने की तारीख थी, उन निकायों को अब नए सिरे से इस कार्यक्रम को फिर जारी करना होगा, अन्यथा बड़ा नुकसान। लेकिन इन दो दिनों में नीलामी अटकने से राजस्व नहीं मिल पाया। प्राधिकरण और न्यासों को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक इन दो दिनों में नीलामी अटकी है। प्रदेश भर में 100 से अधिक संपत्तियों की अनुमान लगाया जा रहा है कि नीलामी इस पोर्टल के बंद रहने की वजह से अटक गई। ऐसे में निकायों के इस वित्तीय वर्ष के राजस्व लक्ष्य ही प्रभावित हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि हर कोई इस समय टारगेट पर निगाहें बनाए हुए हैं। लेकिन जब रेवेन्यू का टारगेट किसी कारणवश दो दिनों के लिए बंद हो जाए, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करेंगे सहयोगी अभिषेक जुट के। अभिषेक, वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने में करोड़ों रुपए का ये बड़ा झटका, लगभग 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो कि नीलाम हो सकती थी लेकिन पोर्टल बंद था, क्या अनुमान और कहता है इसको लेकर? बिल्कुल, ये वाकई बड़ा मामला है क्योंकि करोड़ों रुपए का झटका लगा है, क्योंकि इसके पीछे कारण यही होता है जैसे कि जो है पूरे महीने की अगर हम बात करें तो कोई ना कोई हर महीने जो है हर महीने की हर तारीख कोई ना कोई ऐसी तारीख होती है, मतलब सभी तारीख ऐसी तारीख होती है जिनमें उस नीलामी की किसी पर्टिकुलर संपत्ति की नीलामी की अंतिम तिथि है। तो 21 मार्च को भी कल भी कई संपत्तियों की अंतिम तिथि रही और आज भी अंतिम तिथि रही, और अंतिम तिथि जब रहती है तो समय होता है दोपहर 12:30 बजे तक। तो कल का पूरा दिन खत्म हो गया और आज का पूरा दिन एक तरह से खत्म हो गया। तो ये जो दो दिन का जो पूरा मामला हुआ, इन दो दिन में अगर हम अगले जेडीए की बात करें तो 40 से अधिक संपत्तियां एक अनुमान के मुताबिक जेडीए खुद की थी जिनमें जो है वो नीलाम नहीं हो पाई और रेवेन्यू का लॉस हुआ। इसी तरह अगर जो दूसरे प्राधिकरण और यूआईटी की बात करें तो इसलिए एक अनुमान है कि 100 से अधिक संपत्तियों का ये मामला जो है अटका है। और जो इसकी पूरी प्रक्रिया ये होती है कि जब ये जो है अंतिम तिथि थी और ये पोर्टल बंद रहा, तो अब इन निकायों को नए सिरे से जो है सार्वजनिक सूचना इस पूरे नीलामी कार्यक्रम की जारी करनी पड़ेगी और जारी करने के बाद उसको ऑक्शन पे लगाना होगा। तो एक तरह से अब ये इनका जो नंबर है वो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल 2024 से जो शुरू होने वाला है, 2024-25 जो है तब से तब ये आ पाएगा। लेकिन अभी जो इन्होंने संपत्तियों का जिन निकाय टारगेट रख रखा था उनको ये दिक्कत आएगी क्योंकि जो रेवेन्यू लॉस है, जो उनके रेवेन्यू के टारगेट है वो टाइमली पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि और ये जो पोर्टल है ये स्टेट लेवल का पोर्टल है जिसमें सभी जो विकास प्राधिकरण है, प्रदेश के जो सारे विकास प्राधिकरण और जो यूआईटीज है वो इससे जुड़े हुए हैं, इनमें संपत्तियां अपलोड की जाती है और जो बिडर है वो इसी ऑनलाइन जब इसकी जो अर्नेस्ट बनी है 2% वो जमा कराता है ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन ही वो जो है निविदा में भाग लेता है। इसकी प्रक्रिया यह है कि जो अधिकतम जो भी नीलामी होती है, जो अधिकतम जो भी बोली होती है वो जो है बिडर को दिखती रहती है और उसके ऊपर वो लगातार रहता है। तो एक तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है ई नीलामी जिसे कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है और अगर इसमें पोर्टल बंद हो जाए तो पूरी जो है नीलामी प्रक्रिया ही प्रभावित होती है। और यही कारण है कि इन दो दिनों में जो है करोड़ों रुपए का झटका प्रदेश भर के जो यूआईटीज हैं और जो अथॉरिटीज हैं उनको लगा है। और इसकी वजह से उनके रेवेन्यू टारगेट से, क्योंकि हर निकाय के रेवेन्यू टारगेट फिक्स हैं कि 31 मार्च तक उन्हें जो फाइनेंशियल का आखिरी दिन है 31 मार्च तक उन्हें उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में नीलामी के पेटे कितनी जो है राजस्व अर्जित कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है तो ये प्रभावित होगी। और इसी लिहाज से ये जो पोर्टल बन रहा है, ये पोर्टल जो है स्टेट लेवल का पोर्टल है जिसमें सभी जो निकायों की संपत्तियां इसमें रखी जाती है। जी बिल्कुल अभिषेक, ये जो वॉइड है यकीनन ये इफेक्ट करेगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।